खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर कुख्यात माफिया ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह को सोमवार को कासगंज जेल से पेशी पर आजमगढ़ लाया गया। गैंगस्टर के दो अलग अलग मामलों के अलावा पूर्व विधायक सर्वे सिंह सीपू हत्याकांड में भी सोमवार को सुनवाई थी। इन तीन मामलों में ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह को सजा सुनाई जानी है, जिसके लिए न्यायाधीश ने 7 अप्रैल की तिथि नियत किया है, जिसे देखते हुए कोर्ट ने कुंटू को 7 अप्रैल तक आजमगढ़ जिला कारागार में ही रखने के निर्देश भी दिए हैं। कुंटू सिंह और उसके 9 साथियों पर जीएनपुर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर के एक मामले में 3 दिन पहले ही सजा सुनाई गई है, जिसमें कुंटू सिंह और उसके 9 साथियों को 10-10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं अब गैंगस्टर के 2 और 2013 में हुए पूर्व विधायक सर्वे सिंह सीपू की हत्या के मामले में सुनवाई चल रही है। सोमवार को इन मुकदमों में कुख्यात कुंटू सिंह की पेशी थी, जिसके लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था में कुंटू सिंह को कासगंज जेल से जिले में लाकर गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने सुनवाई की कवायद पूरी करते हुए फैसले के लिए 7 अप्रैल की तिथि नियत कर दी है। पेशी पर कासगंज से आने के बाद फैसला आने तक कुंटू सिंह को जिला कारागार में रोकने के निर्देश भी न्यायाधीश ने दिए हैं, जिसके चलते कुंटू सिंह अब 7 अप्रैल तक आजमगढ़ कारागार में ही रहेगा। उक्त मुकदमों में कई अभियुक्त अभी तक फरार चल रहे हैं, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि फरार अभियुक्तों की पत्रावली अलग रख कर कुंटू सिंह पर फैसला आ जाएगा। मैं गैंगस्टर कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं और इनकी कुंटू सिंह की पेशी थी 57-21 GT नंबर 57/21 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर थाना जीएनपुर आजमगढ़, जिसमें 2 अभियुक्त हैं। एक अभियुक्त है सूर्य प्रकाश और ध्रुव सिंह गैंग लीडर हैं। सूर्य प्रकाश अनुपस्थित थे, उनके अनुपस्थिति का दिखाते हुए चार्ज नहीं बन सका। ध्रुव सिंह उपस्थित थे और दूसरी फाइल थी 9/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट थाना जैनपुर आजमगढ़, उसमें 5 अभियुक्त हैं, ध्रुव सिंह, रिजवान, शिव कुमार, एहसान, सुरेंद्र। ठीक है, रिजवान अनुपस्थित है और बकिया चारों उपस्थित थे, ध्रुव सिंह सहित 4 लोग उपस्थित थे। क्या का मुकदमा है सर? और ये चार्ज में लगी हुई है, 7/4 में फिर फाइल चार्ज में लग गई है। 7/4 को अगली तारीख चार्ज नहीं बना। कहाँ से इनको लाया गया था? और ध्रुव सिंह को कासगंज से लाया गया था और ध्रुव सिंह को चार्ज बनने तक 7 तारीख तक यहाँ रोक दिया गया आजमगढ़। अच्छा, तो क्या क्या आरोप उनके ऊपर हैं? और तमाम आरोप हैं गैंगस्टर के तहत, उनके तमाम मुकदमे हैं और इसमें अलग अलग विचारण है, क्योंकि इसमें 2 अभियुक्त हैं, उस किसी में 5 अभियुक्त हैं, अलग अलग मुकदमे, अलग अलग विचारण हो रहा है। अब इनकी अगली तारीख का तारीख पड़ी है? 7 तारीख को इनकी पेशी है, 7 तारीख को चार्ज भी बनेगा, तो एक फाइल और है उसमें भी पेशी है। तब तक की आजमगढ़ जेल में रहेंगे? 7 तक रहेंगे वो। 7 में उसमें भी उनको पेपर पर कुछ देना था, कुछ एक ऑर्डर था उसके तहत, तो वो पेपर दाखिल कर देंगे कल और 7 में जजमेंट लगी हुई है। जजमेंट तक ये मंडल कारागार में रहेंगे? हाँ, 7 तक रहेंगे मंडल। 468/13 में जयपुर का मुकदमा है, एक मर्डर का, हत्या का मुकदमा था, उसमें भी उनकी पेशी है, क्योंकि इसी कोर्ट में चल रहा है गैंगस्टर में, इसलिए उसमें भी उनकी पेशी। वो किस मामले में है? वो सिपू सिंह हत्याकांड का जो। अच्छा, उसमें है ना भाई? हाँ, ठीक, वो है। हाँ, वो निर्णय में है, निर्णय में लगा है, लेकिन अब देखिए निर्णय कुछ। उसमें तमाम अभियुक्त बाहर हैं, बेलआउट हैं, फरार हैं, तो अभियुक्त जब हाजिर हो जाएंगे निर्णय हो जाएगा। अगर हाजिर नहीं होते तो कहा भी गया शासन से लोग हाजिर करा देते हैं, ठीक है, सारे अभियुक्तों को, क्योंकि काफ़ी अभियुक्तों को लोग हाजिर नहीं करा पा रहे हैं शासन वाले, जो फरार हो जा रहे हैं उनको गिरफ्तार हो नहीं कर पा रहे हैं, 82-83 करना पड़ा, काम कार्रवाई करने के बाद भी लोग उपस्थित नहीं करा पा रहे हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।